किसान संघर्षों का जो एक प्रतीक रहा किसान छात्रावास, उसमें रहने वाले छात्र कानाराम को 22 अप्रैल 87 को आज हम पहुंचे मांडोता ग्राम में, जहां आगामी 17 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसमें यहां से बुजुर्ग किसान लोग विधानसभा जयपुर के लिए कूच करेंगे। इसकी क्या रणनीति है, क्या मांगे हैं, इस गांव के बुजुर्ग लोगों से हम बातचीत करेंगे, जिसमें आपके सामने आएगा। चलिए आइए बातचीत करें, आपकी क्या मांगे इस किसान आंदोलन को लेकर? मांग तो कर्जा माफी की मांग है जी, जो बूढ़ा बुजुर्ग है बाकी पेंशन बढ़ाओ जी, जो किसाना की फसल है तो आ सारी जी रूढ़ी प्रिय है तो कोई जी हिसाब से आकी है जी को मतलब दे के हिसाबदारों का कत्तो खर्चो पड़े आ को जी, तो का हिसाब से आकी पैसा देना चाहिए जी जी, कायदो तो ही है नहीं जगह भाई आपको मांग लो आपको भाव बढ़ाओ हर जगह जाबाड़ा है जगह इस गांव जो सब किसान है जगह सब भी जाशी सही जाशी 17 तारीख ने सब भी जाए, सभी किसान जाने वाले हैं जाबाड़ा है। बुजुर्ग किसान कितने जाने वाले हैं हिस्सा लेने वाले इस किसान आंदोलन में? तो ठीक सो ही गांव है सभी जाएंगे हर पास है मतलब अनिश्चित काल तक रहेगा जब तक आपकी बातें मांग तो जिंदा को जी। ये बहुत बड़ा बयान है यहाँ पर गांव वालों को बुजुर्ग लोगों ने यहाँ कहा है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये वहाँ से विधानसभा से नहीं आएंगे, अपने घर नहीं लौटेंगे। हमारे साथ है जिला परिषद सदस्य पन्नालाल जी जो हमारे साथ खड़े हैं अभी, तो उनसे बातचीत करते हैं। ये आंदोलन क्या रणनीति बनाई है आपने इस आंदोलन के लिए 17 फरवरी से जो आगामी यहाँ से किसान विधानसभा के लिए जो कूच करेगा उसके लिए क्या आपकी रणनीति है? जो पिछला सितंबर आंदोलन चला था जी, उसमें राज्य सरकार ने जो 11 सूत्री मांग पत्र पर जो सहमति जाहिर की थी उसके मुद्दे को लेकर जब 3 महीने 4 महीने निकल गए और राज्य सरकार उन मुद्दों पर अभी तक कोई भी फैसला करने में नाकाम रही है, तो किसान सभा की राज्य कमेटी ने यह तय किया है कि 22 फरवरी को विधानसभा पर कूच किया जाएगा किसानों का, जिसका सीकर जिले के जत्थे का नेतृत्व है ग्राम मांडोता से रवाना होगा, जिसमें किसान सभा के राज्य अध्यक्ष पूर्व विधायक अमराराम और किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष मंगल सिंह के नेतृत्व में पैदल जत्था यहां से कूच करेगा। उसकी तैयारी के लिए गांव-गांव में 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो जत्था अभियान चल रहा है, जिसमें गांव-गांव में जाकर तैयारियां की जा रही है और धोद विधानसभा क्षेत्र के तमाम गाँवों से हर गांव से एक ट्रैक्टर ट्रॉली और उसके साथ में 20-30 आदमियों के नेतृत्व में हर गांव से लगभग 150 ट्रैक्टरों के साथ में मांडोता से ये जत्था 17 तारीख को 2 बजे से रवाना होगा। उससे पहले यहीं गांव के चौक में पूरे धोद विधानसभा क्षेत्र के किसान मजदूरों की आम सभा होगी, जिसको किसान सभा के नेता लोग संबोधित करेंगे और उसके बाद में 2 बजे से यहाँ से इस जत्थे को रवाना किया जाएगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सिक्कर शहर इतने बड़े शहर में मांडोता ग्राम से ही इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जो आंदोलनों की पृष्ठभूमि रही है किसान आंदोलन ने की अग्रणी वो जगह है किसान छात्रावास सीकर, जहाँ कामरेड त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में चाहे आज़ादी का संघर्ष हो उसके बाद में बाजरे की लेवी का सवाल हो, जो किसान संघर्षों का जो एक प्रतीक रहा किसान छात्रावास, उसमें रहने वाले छात्र कानाराम को 22 अप्रैल 87 को इस आंदोलन को दबाने के लिए किसान छात्रावास पर अटैक किया गया था। किसान छात्रावास को नेशनाभूत करने का टारगेट उस वक्त की कांग्रेस की हरदेव जोशी सरकार का था, तो उस गोलीकांड में जो शहीद हुआ शहीद कानाराम वो मांडोता गांव का रहने वाला था, तो किसानों के तमाम नेताओं ने इस बैठक के चर्चा की गई कि संघर्ष की स्थली व उससे शहीद के गाँव से इस तिथि को रवाना किया जाए। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि इस आंदोलन को की नेतृत्व कौन कर, किसान आंदोलन का इस नेतृत्व कौन कर? किसान आंदोलन का नेतृत्व तो वैसे अखिल भारतीय किसान सभा जो राजस्थान की राज्य कमेटी है वह है, इंडिविजुअल कोई नेता तो वो हो सकते हैं नेता राज्य के अध्यक्ष हैं और है वो तो सभी है, लेकिन हाँ, किसी भी संगठन जुड़ सकता है लेकिन वो अखिल भारतीय किसान सभा इसका नेतृत्व कर रही है और हम तमाम लोगों से जो भी इस आंदोलन का सपोर्ट करते हैं जो ये समझते हैं कि आज किसान की जो हालत है किसान आज कर्जे में डूबा हुआ है उसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है, तो हमें इस खुले मन से भी हम हमेशा मांग करते आए हैं लोगों से आह्वान करते हैं कि जो भी किसान की इस दुर्दशा के खिलाफ हो उनको हमें इस संघर्ष में सादर आमंत्रित करते हैं जी।
आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये किसान आंदोलन जो 17 फरवरी को रवाना होने वाला है, इसकी शुरुआत होने वाली है, इसमें किसानों की खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाएगी? किसानों की खाने पीने की व्यवस्था जैसे मंडी में रही थी, सबकी सेल्फ फाइनेंस होगी, खुद की। जैसे भी गांव का, हमारे मांडोता गांव से 2 ट्रैक्टरों के साथ में 50-60 लोग जाएंगे तो उनका पहले ही हमें राशन वगैरह इकट्ठा कर लेंगे और अपने अपने गांव की अपने अपने खाने की व्यवस्था। तो ये थे जिला परिषद सदस्य पन्नालाल जी, जिन्होंने हमें किसान आंदोलन के बारे में 17 फरवरी को जो आगामी ये किसान आंदोलन होने जा रहा है इसके बारे में तमाम बातें बताई इन्होंने। कि मांडेता ग्राम से किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट, ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।